Hey student. Alaikum, I am Shahid Hussain and today we are discussing about the uh, dynamic programming approach. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture which was about greedy algorithms. And we have solved different problems by using the greedy algorithm approach. Fine? Okay. Uh, In last lecture, we discussed the greedy approach. Ko follow यानी कि ग्रीडी अप्रोच हम कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मेन फोकस या मेन पर्पस जो है इस अप्रोच का क्या होता है एक प्रॉब्लम लेट करते हैं कि आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम है कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग कॉइन है या इस तरह के और प्रॉब्लम ये हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे अब इसमें ये होगा कि अगर आपके पास गिवन प्रॉब्लम के लिए आप लोग एक सोल्यूशन ले लेते हो और अगर वो आप लोगों का ऑप्टीमल सोल्यूशन नहीं है इट मीनस के आप लोग क्या करोगे आप लोगों को अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो हैं वो भी फाइंड करने पड़ेंगे तो जो आइडिया इसके बिहाइंड है कि ग्रीडी अप्रोच में क्या होगा ग्रीडी अप्रोच में ये होगा फर्स्ट रूल में कि आप लोगों का जो करंट वो होगा सोल्यूशन वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा बट आप लोग जो है हर वक्त ट्राई में रहेंगे कि हो सकता है कि इससे बेस्ट सोलूशन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ सके उस प्रॉब्लम के लिए ये ग्रीडी अप्रोच की वो है फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनिमम स्पेनिंग ट्री में हमारे पास एक नेटवर्क के ऊपर मैनी पाथ बन जाते हैं हम उनमें से उस पाथ को कंसिडर कर लेते हैं जिसके टोटल डिस्टेंस जो है या टोटल कॉस्ट जो है वो कम आ रही होती है तो वैसे तो हमारे पास एक नेटवर्क के ऊपर मैनी पाथ बन सकते हैं लेकिन हम हमारी ग्रीडी अप्रोच वहाँ पे क्या होगी कि हमारे हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाना है तो इसलिए हम हमारा जो करंट सोल्यूशन होगा वो उस सिनेरियो के लिए तो बेस्ट होगा लेकिन हम हर वक्त जो ट्राई करेंगे वो नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन के लिए करेंगे ठीक है फिर उसमें हमने डिफरेंट प्रॉब्लम लिए थे एक दो प्रॉब्लम जो थे वो काइन के साथ थे कि आप लोग कॉइन को इकट्ठा करके अगर आपको एक टारगेट अमाउंट बता दिया जाए और डिफरेंट काइन आपके सामने पड़े हुए हों तो आप लोग कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हुए उन काइंस को जो है वो पिक करोगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल ली थी कि आपके पास लैड कहते हैं कि क्रोन्स uh, के तीन काइंस हैं एक टेन क्रोन का एक सेवन क्रोन का और एक वन का आप लोगों ने फिफ्टीन क्रोन्स को इकट्ठा है तो आपकी पहली अप्रोच यह है कि आप एक टेन क्रॉन्स वाला कॉइन ले लें और फाइव जो है वन वन वाले ले लें तो आप लोगों ने अब टोटल कितने कॉइन पिक किए सिक्स ठीक है अगर आप एक दूसरी अप्रोच फॉलो करें तो दो आप सेवन सेवन क्रॉन्स के कॉइन ले लें और एक वन वाला तो अब आप लोगों ने जो पिक किया है वो थ्री कॉइन्स हैं तो इस तरह लेस नंबर ऑफ कॉइन्स पे आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड जो है ग्रीडी अप्रोच ये आपकी ग्रीडी अप्रोच है फाइन इसके अलावा फिर हमने कुछ जो ग्राफ के साथ यानी कि नेटवर्क मॉडल जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए यूज होते हैं जैसे प्रिम्स एल्गोरिथम है क्रस्कल है डिचकिस्ट्रा एल्गोरिथम है इन हमने एल्गोरिथम को डिस्कस किया था इन तीनों की अप्रोच जो है ये भी क्या है ग्रीडी अप्रोच है जिसमें आप लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना होता है या आप लोग जो एमएसटी बनाना चाहते हो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये फाइंड करते हैं या कास्ट ठीक है इसके अलावा फिर हमने हाफ मैन इनकोडिंग स्कीम को देखा हाफ मैन इनकोडिंग स्कीम जो है एक्चुअली इट इज यूज टू कंप्रेस यूर डेटा ठीक है एक्चुअली टेक्निक जो ये है कि आपके डेटा को कंप्रेस करती है ताकि अगर आप लोग उसको नेटवर्क पे भेजना चाहें उस डेटा को तो उसकी बैंड जो है या उसके टोटल बाइट्स की कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो नंबर ऑफ बिड्स हो या नंबर ऑफ बाइट्स हो तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप लोग जो गिवन स्ट्रिंग होता है आप लोग उसके लिए उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी डिस्टिंग आपके पास करेक्टर्स होते हैं यूनिक करेक्टर्स होते हैं हर एक करेक्टर की आप नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेते हो देन फिर आप उस उ, उन उसी तमाम करेक्टर को अरेंज कर देते हो इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी नंबर ठीक है उनके जो फ्रीक्वेंसी नंबर है मतलब पहले वो करेक्टर आ जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी वन होगी देन टू देन थ्री एंड देन सो ऑन जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी के आपके पास करेक्टर पड़े होंगे तो वो आप लोग प्लेस करते जाओगे उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ये कहते हैं कि उसी से हम बाइनरी ट्री बना लेते हैं बाइनरी की फॉर्मेट में हम ऑफ माइन इनकोडिंग स्कीम के लिए एक ट्री बना लेते हैं अब उस ट्री में आप लोगों ने जिस करेक्टर को भी विजिट करना होता है तो आपको वो लेफ्ट एंड राइट मूव के बाद यानी कि बाइनट्री में अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहें तो आपको लेफ्ट राइट मूव करना पड़ता है क्यों वो इसलिए कि आप उस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो अगर नंबर्स की बाइनरी एरे है तो उसमें फिर आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू की जो हमने एक लेक्चर में जब बाइनरी सर्च ट्री पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस भी कर लिया था तो वो हम लोग जो है यूज कर सकते हैं ट्रेवर्सिंग मेथड ठीक है हर लेफ्ट मूव के लिए जीरो और हर राइट मूव के लिए हम क्या आसान कर देते होते हैं वो वन फाइन इसके बाद फाइनल हमने एक चेकबोर्ड की एग्जाम्पल ली थी उसमें ये था कि आपके पास एक चेकबोर्ड है जो एन डायमेंशन यानी कि एन रो और एन कॉलम का चेकबोर्ड है उस उसपे डिफरेंट जो सेल्स हैं उस चेकबोर्ड के जो आपके पास एम्प्टी सेल्स हैं उसके ऊपर काइन रखे हुए हैं डिफरेंट इस पे अब अब उस प्रॉब्लम में ग्रीडी अप्रोच या उस प्रॉब्लम का सीनियर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है कि आप लोगों ने रोबोट्स को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टॉप कॉर्नर से लेकर उसको मूव करते हुए राइट right और बॉटम तक ले आना है राइट एंड बॉटम कार्नर पर ठीक है ये उसके दो रूल्स थे ठीक है थर्ड रूल ये था कि वो रोबोट जो है वो सिर्फ राइट right मूव कर सकता है और बॉटम मूव कर सकता है अब उसने ये, हमने ये करना था कि अगर हम कितने रोबोट्स को वहां से पास करें कि आपके सारे कॉइन जो हैं वो कलेक्ट हो जाए और लेस नंबर ऑफ रोबोट जो है वो आप लोग कंज्यूम करो यानी कि उनका यूज जो है वो कम से कम हो तो उसके लिए भी आप लोग डिफरेंट अप्रोचे या डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हो और उन्हीं में से जो हमने बेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो कंसीडर करना होता है दिस वॉज दी कैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर नो कम टू इज वी आर डिस्कसिंग टूडे इट इज अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग जो एक्चुअली है हमारे पास आप लोग यहाँ पे इट इज ए डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए जनरल एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ठीक है बाय फॉर्मुलेटिंग एज ए रेफरेंस यानी कि रिकर्सिव इक्वेश वगैरह आप लोगों ने बनानी है रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करने है विद ओवरलैपिंग सब इंस्टेंसेस कि अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हुए रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्या करना है ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है ठीक हो गया ये डायनामिक अप्रोच uh, का जो है ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने गिवन प्रॉब्लम को उस लेवल तक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें रिकर्सिवली जब तक आप लोगों को उस फाइनली uh, जो आपका रिकर्स है वो बनता है उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है हर लेवल पे ना मिल जाए ठीक है तो इस अप्रोच में फर्स्ट uh, टाइम इसको इस अप्रोच को किसने वो किया एक अमेरिकन मैथमेटिशन था रिचर्ड uh, बेलमैन किस ईयर में 1950 में उसने डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो है वो बेस रखी इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया ठीक हो गया अब प्रोग्रामिंग मीन हेयर प्लानिंग यानी कि हम कैसे प्लान करेंगे कि इस प्रॉब्लम uh, को सब प्रॉब्लम में इस लेवल तक वो करेंगे हर सब प्रॉब्लम जो है वो आपको की तरफ जो है वो ले जाए ठीक हो गया द मेन बिहाइंड डायनामिक प्रोग्रामिंग आर फर्स्ट वन सेट अप रेकेंस रिलेटिंग ए सोल्यूशन टू लार्जर इंसेंस दोल्यूशन ऑफ द स्मॉलर इंसेंस यानी कि फर्स्ट आपका जो है रेकोरेंस रिलेशन या फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना है ताकि आपका एक प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड हो सके ठीक हो गया अब आप लोगों ने जब स्मॉल प्रॉब्लम आ जाएंगे तो आपने सॉल्व प्रॉब्लम को जो स्मॉलर प्रॉब्लम होंगे उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होगा वंस यानी कि हर हर सब प्रॉब्लम जो है वो एक बार सॉल्व होगा उसका सोल्यूशन आप लोगों ने अपने पास टेबल में मेंटेन कर लेना है टेबल हो या डिफरेंट यानी कि प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि उनके हम सब uh, प्रॉब्लम की वैल्यू को जो है कैसे की स्टोर कर सकते हैं ठीक है एक्सट्रैक्ट टू द इनिशियल इंस्टेंस फ्रॉम टेबल ठीक हो गया अब जब भी आप लोग यानी कि आप एक एक स्टेप बैक पे जाओगे तो उसी सोल्यूशन uh, को सब प्रॉब्लम के एक्सट्रैक्ट करते जाओगे और उससे जो हाई लेवल होगा यानी रिक में जब हम रिटर्न करते हैं तो उस वक्त उन सोल्यूशन को जो है हम यूज करते रहेंगे फाइन तो आइडिया बिहाइंड क्या है डायनामिक प्रोग्रामिंग के सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम पी मिल गया आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को डिवाइड करना है उसके लिए एक प्लानिंग करनी है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें अब जो सब प्रॉब्लम होगा वो एक लिमिट तक यानी अपनी एक बेस कंडीशन तक डिवाइड होगा उसके बाद आपको वो सोल्यूशन रिटर्न करेगा आप लोगों ने उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अपने पास कीप रख देना है यानी कि सेव कर देना है अब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे सेव होगा फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट हम आज के लेक्चर में डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे सब प्रॉब्लम जो है अपने वैल्यूज़ को अपने सोल्यूशन को स्टोर करता रहता है और जब ये रिकर्स फंक्शन की रिटर्न बैक होता है हर फंक्शन का तो वही वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है यानी उस सब प्रॉब्लम की वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट होकर उससे ऊपर वाले लेवल का जो प्रॉब्लम होगा सब प्रॉब्लम उसमें वो यूज़ हो जाती है तो ये इसका आइडिया है कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है इस अप्रोच के थ्रू अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग टिपिकली अप्लाइड टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लाइक ग्रीडी एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम में भी तो आपके पास क्या था वो भी आपकी प्रॉब्लम को ऑप्टिमेलिटी की तरफ ले जाता था लेकिन उसमें यह था कि रेकोरेंस जो अप्रोच है यानी अप्रोच है वो यूज नहीं करता था ग्रीडी में उसमें एक से ज्यादा सोल्यूशन आपको एक ही प्रॉब्लम के मिल जाते थे ठीक हो गया प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन आपको मिल जाते थे विदाउट यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच लेकिन यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होगा आपके पास आप लोगों का जो प्रॉब्लम होगा इसी को रेकोरेंस अप्रोच यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना होगा हर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होगा और वो सोल्यूशन उस सब प्रॉब्लम के लिए ऑप्टीमल कंसिडर होगा उसके लिए वो बेस्ट होगा और फिर हमने उसको जब रिकर्सिव बैक होगा फंक्शन की जब रिकर्सिव फंक्शन के बैक आते हैं बेस कंडीशन के ट्रू होने के बाद तो वही सब सोल्यूशन जो है वो एड होता जाता है फाइन अब इन सच प्रॉब्लम देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशंस यानी हर सब प्रॉब्लम जो है आपको मैनी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा ई सोलूशन वैल्यू एंड विश टू फाइंड द सोलूशन विद ऑप्टीमल वैल्यू यानी कि चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे उसके सब प्रॉब्लम लेवल पे है आपकी जो भी वैल्यूरिटी होगी वो उस लेवल पे क्या कंसीडर होगी ऑप्टिमल कंसीडर होगी फाइन ओके व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट कैसे आप लोग करेंगे सबसे पहले करेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टीमल सोल्यूशन आप लोग सोल्यूशन चाहते क्या हो कैसे आप लोग लेना चाहते हो ठीक है उसको करेक्टराइज कर दें रिकर्सिव डिफाइन करें ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोल्यूशन रिकर्सिवली कि फॉर एग्जांपल जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डायनामिक अप्रोच तो आप लोग एक गिवन मैट्रिक्स को किस लेवल तक आप यानी कि स्माल मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको जो मल्टीप्लाइकेशन का रिजल्ट जो है वो ऑप्टीमल मिल सके ठीक है ये हम आगे मल्टीप्लाइकेशन में कर भी लेंगे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा ठीक हो गया कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टीमल सोल्यूशन इन बॉटम ऑफ फैशन यानी कि आप लोग तो आएंगे तो इस तरह प्रॉब्लम फिर सब प्रॉब्लम हो गया और फिर सब प्रॉब्लम ठीक हो गया और फिर आपके पास इसके सब प्रॉब्लम वन वन एस पी वन टू और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा एस पी टू वन एस पी टू टू और इसको आप फिर सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन एस पी वन फिर इसका यहाँ पे इन दोनों का सोल्यूशन यहां पे और फिर इसका यहां पे आ जाएगा ठीक हो गया कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिम फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो फाइनल आपका प्रॉब्लम होगा उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने जो है अचीव करना होगा ओके नो दिस वन इज फर्स्ट एग्जाम्पल रॉड कटिंग एग्जाम्पल विच इज यूजिंग डायनामिक अप्रोच अब कैसे ये डायनामिक अप्रोच को यूज कर रहे हैं वो देखेंगे आप लोग <coughs> इसमें है इनपुट क्या है इस प्रॉब्लम में ए लेंथ एन एन टेबल ऑफ प्राइसेस पी आई फॉर इक्वल टू वन टू एन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास लेंथ है रॉड की One, two, three, four, five, three, और ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस हैं ठीक हो गया अब आउटपुट क्या है द मैक्सिमम रेवेन्यू ऑप्टेन फ्रॉम रॉड्स सम टू एन सम ऑफ प्राइसेस फॉर द इंडिविजुअल रॉड्स ठीक हो गया अब हमने इसमें ऑप्टेलिटी यानी कि रेवेन्यू मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है इस प्रॉब्लम में ओके नो इस एग्जांपल के इसमें हमने क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये टेबल है लेंथ ऑफ आई और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसिस हैं ठीक हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है प्राइस वन ठीक है उसके आपके पास आ रही है कि वन के लिए आपको सिर्फ ये वन लेंथ ही लेनी पड़ेगी जो इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन है क्योंकि हम इसको कट तो नहीं कर सकते अब हमारे पास है फाइव प्राइस फाइव ये आप लोग देख लें ये फाइव अब इसके लिए जो आपके पास है वो वैल्यू आ रही है लेंथ की वो टू हम इसको भी कट नहीं कर सकते तो ये टू आ जाएगा एट के लिए आप लोग देख लें एट के लिए आपके पास आ रही है वैल्यू थ्री ये यहां पे मेंशन कर दें अब जब हम लेते हैं टेन ठीक हो गया अब जैसे ये टेन लिए जा रहे है। अब टेन तो हम इसको कट करेंगे कि हमारे पास टेन के लिए क्या होना चाहिए ये फाइव फाइव के दो वो बनने चाहिए जैसे ये बन रहे हैं ये आप लोग देख लें तो ये टू इसकी कास्ट लेंथ और इसकी भी लेंथ टू तो आप लोगों के पास जो प्राइस है अगर है आपके पास टेन तो आप लोगों के पास टेन के लिए यहां पे क्या लेंगे आप लोग ये फाइव फाइव के टू वो कर लेंगे टू प्लस टू फोर लेंथ तो पहले इसकी लेंथ की प्राइस क्या है फाइव और इसकी प्राइस क्या है फाइव तो फाइव फाइव टेन हो जाएगा ठीक हो गया इसी तरह थर्टीन है थर्टीन थर्टीन के लिए आप लोग कैसे लेंगे आप लोग देखें एट और फाइव थर्टीन होते हैं एट थर्टीन इक्वल हो गया फाइव प्लस एट के ठीक हो गया अब फाइव प्लस एट के इक्वल हो गया तो आप लोगों ने इनमें से इसकी जो लेंथ है वो टू ले लेनी है और एट की लेंथ जो है वो आप लोगों ने कितनी ले लेनी है थ्री तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा फाइव तो ये देख लें आप लोग ये टू प्लस थ्री जो है हमें यानी कि अगर हमारे पास थर्टीन रुपीस थे प्राइस उसकी थर्टीन थे तो हमारे पास दो आपको लेंथ लेनी पड़ेगी लेंथ टू का राड और लेंथ थ्री का रॉड आप लोगों को लेना पड़ गया ठीक हो गया इसी तरह 17 है सेवनटीन तो सेवनटीन पे कोई कट नहीं है हम इसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते तो सेवनटीन के लिए यही इसके जो है आपके पास लेंथ सिक्स ही रहेगी जो यहाँ पे मेंशन है अब अगर हम एटीन लेते हैं तो एटीन के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास कि आप लोग सेवनटीन प्लस वन भी कर सकते हो प्राइस को तो इसके मीटर जो है वो आपके पास सिक्स है और इसका जो है वन है ये लेंथ है ठीक हो गया अब आपके पास ये भी हो सकता है कि फाइव प्लस फाइव प्लस एट ये भी तो एटीन होता है तो इसके फाइव को आप देखें यहाँ पे ये फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग है टू लेंथ और इसके आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टू है और एट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो थ्री है तो अब आप लोग इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा सेवन और ये भी आपके पास जो है वो सेवन हो गया ठीक हो गया तो ये लेंथ आपके पास जो है बराबर हो रही है फाइन अब अगर इसी तरह आप लोग वो करते हैं नाइन जो यहाँ पे मिसिंग है इस टेबल में तो नाइन आपके पास वन प्लस एट हो गया जैसे यहाँ पे मेंशन है अब वन के लिए जो है आपके पास क्या लेंथ है वन और इसके लिए एट के लिए कितनी लेंथ आ रही है थ्री तो इधर अगर आप लोग नाइन को पुट करेंगे तो नाइन के लिए ये आपके पास हो जाएगा वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर ठीक हो गया तो अब इस प्रॉब्लम में हमने इसको कैसे सॉल्व किया फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेबल में दो कॉलम थे एक प्राइस का कि आपके पास कितनी अवेलेबल प्राइस है फिर उसके कोरोस्पॉडिंग उसकी लेंथ लेंथ रॉड आपको कितनी मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल प्राइस वन के लिए आपको लेंथ वन मिल सकती है रॉड की प्राइस uh, फाइव के लिए हम टू लेंथ इसकी ले सकते हैं जैसे ये पड़ा हुआ है ये फाइव के लिए ये टू ठीक हो गया एट के लिए थ्री ठीक हो गया अब आपके पास आ जाता है नाइन अब नाइन के लिए या तो हम फोर लें जो वहां पे मेंशन है ठीक है अब हम इसको कट करके ले रहे हैं तो कट कैसे वन प्लस एट नाइन हो जाता है तो वन की आपके पास लेंथ वन है और एट की आपके पास जो लेंथ है थ्री आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे क्या रिट्रीव हो रहा है फोर अब टेन है तो टेन को हम फाइव फाइव में ब्रेक करते हैं तो टू प्लस टू तो ये कितनी लेंथ आपके पास आ गई फोर और अगर आप यहां पे देखें एक्चुअल टेन की लेंथ कितनी आ रही है टेन आ रही है ठीक हो गया तो आप लोग इस टेबल को इस तरह भी बना सकते हैं देखें आप लोग के नॉर्मल आपके पास ये हो गई लेंथ आई और ये आप लोगों के पास हो गए प्राइस पी एफ आई ठीक है अब अगर आपके पास है वन तो आप सिर्फ वन लेंथ वो कर सकते हैं ठीक हो गया अगर आपके पास है फाइव प्राइस तो आप क्या कर सकते हैं टू टू लेंथ ले सकते हैं एट है तो ये थ्री हो गया अब ये तीन वैल्यू ऐसी थी जो ब्रेक नहीं हो गई ठीक है अब अगर मैं एट को ब्रेक करता हूं प्राइस एट को तो मैं इस तरह लिखूंगा एट प्लस वन फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन एट ठीक है अब आपके पास ये जो फाइव है इसकी कितनी लेंथ है हमारे पास टू वन की लेंथ वन वन की लेंथ वन और वन की लेंथ वन तो टोटल हो गई इसकी लेंथ फाइव तो आपके पास जो है यहां पे लेंथ कितनी दी हुई है थ्री ठीक हो गया तो हम फाइव को क्यों लेंगे हम इसको कट नहीं करेंगे ठीक हो गया इसको वैसे ही रहने देंगे अब इसी तरह अगर आपके पास जैसे आप लोग देखें टेन है टेन तो टेन की कास्ट जो है यहां पे है फाइव लेंथ ये देखें टेन की लेंथ है फाइव तो अगर हम इसको कट कर लें यानी कि फाइव प्लस फाइव कर दें दो प्राइसेस को तो अब फाइव के लिए आपको पता है कि क्या है लेंथ टू तो टू प्लस टू ये हो जाएगा फोर तो अब आप लोग देखें जब हमने कट किया उसको प्राइस को कट कर दिया यानी कि फाइव फाइव तो भी हमारे पास जो है वो कट हो गया कि हमें टू एंड टू लेंथ का जो है दो लेने पड़ अब टोटल लेंथ हमें लेनी पड़ गई फोर हालांकि एक्चुअल अगर हम टेन के अंदर ले रहे थे तो हमें कितनी लेंथ मिल रही थी वो थी फाइव ठीक हो गया तो इस तरह आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है अब ये रिकर्सिवली है क्योंकि हर लेंथ को डिफरेंट आप सब प्रॉब्लम के तौर पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं अब जैसे देखें देखेंस केस में देखें आप लोग कितने ऑप्शन बन गए हैं वन प्लस सिक्स टू प्लस टू प्लस थ्री इस तरह और भी ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं पॉसिबल तो उनमें से आप लोगों ने कौन सा सोल्यूशन लेना होगा वो ऑप्टीमल लेना होगा अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ को देखते हैं कि हमें लेंथ ज्यादा रॉड की लेनी है कम वैल्यू में वो भी आप कर सकते हैं या आप लोगों ने उस वैल्यू के अंदर आप लोगों ने कट करके जो लेंथ है रॉड की वो लेनी है तो वो प्रॉब्लम भी आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं फाइन ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट फाइव सीरीज यानी फाइवोन नंबर क्या होते हैं वो हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि वन ये उसकी सीरीज है टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन और थर्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव इसमें ये होगा कि हर दो नंबर ऐड होंगे और आपका इक्वल जो बनेगा वो नेक्स्ट नंबर के बनेगा अब ये दो नंबर ऐड होंगे और इक्वल बनेगा नेक्स्ट नंबर ये दो नंबर ऐड होंगे और इक्वल बनेगा नेक्स्ट नंबर अब ये दो नंबर ऐड होंगे तो आपको इक्वल बनेगा नेक्स्ट नंबर और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा ठीक हो गया अब जब हम रेकरेंस रिलेशन पढ़ रहे थे यानी कि रिकर्सिव को डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए फिर हमने डिफरेंट टेक्निक्स भी फॉलो की थी उनको रिजॉल्व करने के लिए तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये एक सीरीज बताई थी कि ये आपके पास रिकर्सिव फंक्शन है फॉर फाइबोनेक्सी सीरीज का यानी कि अगर आप कोई नंबर फाइंड करना चाहते फाइबोनेक्सी सीरीज का तो वो अपने पिछले दो नंबर के कंबिनेशन से बनेगा और वो आपको यहां से मिलेगा तो ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा ठीक हो गया अब उसके देखें फॉर एग्जाम्पल आपने दिया कि f10 f10 कौन सा नंबर है या f5 कौन सा है ये देख लें तो n की वैल्यू है फाइव तो ये हो जाएगा n 4 ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा आपके पास थ्री और ये हो जाएगा टू अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एन माइनस थ्री यानी कि आपके पास हो जाएगा ये टू और ये हो जाएगा वन और इसी तरह ये भी टू ये भी वन ठीक हो गया अब आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से कैसे पुट करेंगे मैं इसकी वैल्यू जो है इसको क्लियर कर देते हैं स्मॉल वैल्यू लेते हैं ठीक हो गया अब स्मॉल वैल्यू में देखें सीरीज पहले लिख लें वही वन वन टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव ठीक हो गया अब इधर वैल्यू ले लें थ्री एफ एन थ्री ठीक है या हम फोर ले लेते हैं अब ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा जीरो ठीक हो गया अब आपके पास जो है ये हो जाएगा एन माइनस टू टू और ये वन और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वन और ये हो जाएगा जीरो अब आप लोग देख लें ये एफ ऑफ़ जीरो है ये एफ ऑफ़ वन है ये एफ ऑफ़ टू है ये एफ ऑफ़ थ्री है एफ ऑफ फोर है तो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए फाइव ठीक है अब यहां पे देखें आप लोग के यहां से आएगा एफ एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री कितना है हमारे पास अच्छा इसका स्टार्ट हमने तो वन वन से लिया जीरो वन से लेंगे ठीक है तो आप लोग देख लें इसे एन माइनस थ्री का जो आ रहा है एफ ऑफ वन ये वन प्लस एफ ऑफ जीरो वन ठीक हो गया यह हो जाएगा इसका सम टू और इसका सम वन टू और इधर वन तो यह हो जाएगा थ्री तो थ्री और टू कंबाइन होंगे तो आपके पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा फाइव तो यह आपके पास फाइव एक्स सी सीरीज की अप्रोच है कि हम किस तरह अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हुए ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो गेन कर रहे हैं ठीक हो गया ओके okay, अब आप लोग देखें इसकी वर्किंग जो अभी हमने डिस्कस भी कर ली तो अब स्टार्ट आप लोग ऐसे लोगे कि ऑफ ऑफ इक्वल इक्वल टू टू एंड ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हमने लिया था एफ एफ जीरो टू वन आप लोग उसको स्टार्ट लें वन की बजाय आप लोगों ने क्या किससे स्टार्ट करना होगा वो जीरो से करना है ठीक है और जो बॉटम पे था ना लीफ नोड पिछली ट्री में तो आप लोग यहां से जीरो से स्टार्ट कर लेंगे और फर्दर इसको बैक

एफ वन इक्वल टू जीरो एफ टू इक्वल टू वन और आप लोग एन तक आप वो कर लें वन वन लेस देन आर इक्वल टू एन आई प्लस प्लस और इधर आप लोग लिख दें कि एफ थ्री इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू और फिर आपके पास हो जाएगा एफ टू इक्वल टू एफ वन और एफ वन इक्वल टू एफ थ्री तो अब आप लोग देखें ये लूप एन टाइम चल रही है तो इसकी एफिशियंसी क्या, क्या कंसीडर हो जाएगी अगर हम रिकर्सिव इसके बगैर चलाते हैं तो ये एन कंसीडर हो जाएगी क्योंकि लूप आप लोगों की कितने टाइम चल रही है वो एन टाइम चल रही है ओके अब आपके पास जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है ये कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं इस अप्रोच को ये यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल हैं कुछ हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में भी इनको हमने डिस्कस करना होगा और कुछ आज के लेक्चर में हम जैसे कह रहे हैं कंप्यूटिंग ए बाइनोमियल कोफिशेंट कंप्यूट करना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं अलगेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस जिसमें हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है प्रीफिक्स और दूसरा है प्रेसिडेंट ठीक हो गया अब हमें मैच करना होता है ये दोनों क्रेक्टर मैच कर गए ये दोनों मैच कर गए ये दोनों मैच कर गए जो नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि कितने कैरेक्टर था जैसे आई, आई आई यहां पे मैच कर रहा है बाकी नहीं कर रहे तो ये अप्रोच उसके लिए यूज हो जाती है फाइन और एन एल्गोरिथम फॉर ट्रांसलेटि क्लोजर क्लो है ये आप दो ग्राफ को ग्राफ के ऊपर हम अप्लाई करने के लिए इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं हम इनको नेक्स्ट जो होगा वो फ्लाइड एल्गोरिथम जो है फ्लाइड एल्गोरिथम जो है वो हम यूज करेंगे फॉर ऑल पेयर और उसके बाद जो है बाइनरी रिसर्च ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रैवलिंग सेल पर्सन की और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कनेप्सिक्स जो है प्रॉब्लम इस अगला लेक्चर जो होगा वो हम इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के फाइन कनेप्सिक्स प्रॉब्लम ना इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा ओके नो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट हाउ यू विल सॉल्व बाइनोमियल कॉफिशेंट आर यू कैन से हाउ यू विल फाइंड बाइनोमियल कॉफिशियंट थ्रू डायनोमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फाइन अब इसमें क्या है बाइनोमियल कॉफिशेंट और कॉफिशियंट ऑफ बाइनोमियल फार्मूला जैसे ये बायनोमियल सीरीज लिखी हुई है आप लोगों के पास इसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है थ्री तो आप लोगों के पास कम्बिनेशन जो होगा वो थ्री काम जीरो का होगा ए ऑफ थ्री बी जीरो प्लस सी यह हो जाएगा टू कामा वन और इधर हो जाएगा आपके पास ऑफ टू बी वन और प्लस सी आपके पास वन कामा टू और यह हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा सी आपके पास है ज़ीरो कामा थ्री और यहां पे हो जाएगा a की पावर जीरो और b की पावर थ्री ये आप अगर इसको n की वैल्यू थ्री लेते हुए एक्सपेंड करें इस सीरीज को तो आपको ये मिलेगा ठीक है अब आ जाते हैं कि ये कम्बिनेशन जो हम यूज कर रहे हैं ठीक है ये कैसे हम वो करेंगे कम्बिनेशन को आप लोग जब लिखते हो c थ्री वन लेट करते हैं इक्वल टू आप लोग इसको थ्री कम्बिनेशन को इस तरह वन भी लिख सकते हो आपके पास ये जो होता है एन हो जाता है ये जो होता है आर हो जाते हैं ठीक है तो आप लोग एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल इनटू टू एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाते हैं फाइन और फैक्टोरियल क्या होता है मसलन अगर थ्री का फैक्टोरियल हो तो आप लोग थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई कर दें सिक्स फाइव का फैक्टोरियल हो तो फाइव फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये वन ट्वेंटी आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा अब आप इस फार्मूले में इसका फैक्टोरियल को करें मसलन आपके पास हो जाएगा कि थ्री वन इक्वल टू थ्री का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल तो ये रिजल्ट हो जाएगा थ्री का फैक्टोरियल सिक्स वन का फैक्टोरियल वन इंटू टू का फैक्टोरियल टू तो इसका रिजल्ट जो होगा सिक्स ओवर टू इक्वल टू थ्री तो आपके पास सी थ्री इक्वल टू आप लोग ये भी कह सकते हो थ्री कॉम्बिनेशन हमने फाइंड किया, ये आपके पास इसका रिजल्ट तो अब आप यही इसी तरह कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये सीरीज जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी अब यहाँ पे रिकर्सिव यानी कि हम जो अप्रोच है वो फॉलो करेंगे वो आपका यही कम्बिनेशन फैक्टर है जिसमें आपके पास आ, हर इटरेशन में आई एक वैल्यू कम हो रही है एक की पावर कम हो रही है दूसरे की पावर जो है वो एक्सीड हो रही है और आप लोग रेफरेंस देखें यहाँ पे एन के के लिए आपके पास ये स्टार्ट सी एन माइनस के प्लस सी एन माइनस वन कामा के माइनस वन फॉर आल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर जीरो और आखिर पे जो है अगर आपके पास ये ये फर्स्ट वन जो अभी हमने यूज़ किया था ये C थ्री ये भी वन हो जाएगा और सी एन एन यानी कि थ्री कामा थ्री एक जैसे हो तो ये भी वन हो जाता है इसका भी प्रूफ है कि अगर आपके पास थ्री कामा थ्री है और आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वही फार्मूला लगाएं एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है अब आप लोग यहाँ पे लिखें क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री का फैक्टोरियल ओवर थ्री का फैक्टोरियल इन टू थ्री माइनस थ्री का फैक्टोरियल और थ्री का फैक्टोरियल सिक्स सिक्स इंटू जीरो का फैक्टोरियल वन तो सिक्स ओवर सिक्स ये कट जाएगा तो वन हो जाएगा फाइन तो आप लोग इस तरह कम्बिनेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पे ये तो चूंकि एट्रेटिव काल होगा तो आपके ये देखें ये जीरो जीरो के लिए आप कॉम्बिनेशन देखें जीरो वन के लिए देखें वन टू के लिए देखें ये सारे आप लोग कैलकुलेट करोगे क्योंकि आप लोग इस फार्मूले में देखें तो एन की वैल्यू जो है वो हर टर्म में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है और इसी तरह जो आर की वैल्यू है यहाँ पे वो हर टर्म के आगे जाते हुए क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो आपको ये टेबल में आपका इसका सोल्यूशन जो है वो आपको रिट्रीव हो जाएगा तो हर कम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए उस स्टेप के ऊपर ऑप्टीमल सोल्यूशन जो है वो कंसीडर किया जाएगा फाइन क्योंकि इसकी अप्रोच भी यही है डायनामिक प्रोग्रामिंग की कि आप लोगों का जो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए वो भी ऑप्टीमैलिटी की तरफ जो है पॉइंट आउट करना चाहिए उसको भी अब ये उसका सूडो कोड है प्रॉब्लम uh, uh, वो है कि आप लोग एन तक जो एन का वैल्यू चल रही है देखें दूसरी लूप आप लोग लूपा के तक इनमें से जो भी मिनिमम होगा उतने तक लूप चलेगी यानी कि आई तो है वो आप, आप लोगों का ट्रेशन हो जाएगा लूप आउटर लूप का लूपिंग वेरिएबल हो जाएगा और के जो है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी ठीक हो गया और अगर ये जे जीरो हो गया या जे और आई बराबर हो गए फर्स्ट केस तो आप लोग देखें ये वाली सिचुएशन हो जाएगी के जीरो हो जे ये जे है ना लूप आपके पास इंटरनल या ये जीरो हो जाए वो कौन सा केस होगा आपके पास होगा कि आई कामा जीरो सी और ये आपके पास ऑलवेज क्या कंसीडर किया जाएगा वन या आपके पास जे और आई इक्वल हो जाए जैसे सी आई काम जे जो है ये वन कब होगा जब i इक्वल टू j हो जाएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे ये प्रीवियस बेस कंडीशन प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बेस कंडीशन के अंदर ये चीज जो है वो दी हुई है ठीक है अच्छा इसके बाद अगर ये वन नहीं होते तो फिर आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा देखें आप लोग i माइनस वन जे माइनस वन प्लस पिछला उसका ऐड हो जाएगा और ये उसका सबस्क्रिप्ट हो गया तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया है कंबिनेशन के लिए आप लोगों ने ये रिकर्सिव अप्रोच को जो है आप लोगों ने यूज कर लिया है ठीक है अब इसकी एफिशिएंसी जो है एन के और एन के हो जाएगी एन आपके पास वो टोटल जो टर्म्स हैं यानी इनपुट साइज आपका हो गया और के क्या होगा वो जितने टर्म्स आप लोग यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक एन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और के की वैल्यू जो है आप लोगों के पास क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है ओके नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन ठीक हो गया मैट्रिक मल्टीप्लाईकेशन में स्ट्रेस ने भी एक एल्गोरिथम वो किया हुआ है इसके लिए एक यानी कि अप्रोच फॉलो किया प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए किस चीज़ की आपके मैट्रिक्स की मल्टीप्लाइकेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए ठीक हो गया पहले हम देखेंगे कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं सिंपली तो वो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उसकी कंप्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी उसके बाद फिर हमने स्ट्रेस uh, जो मैट्रिक्स है हमने उसको यूज करना होगा ठीक है अब आप लोग देखें पहले लेट यू हैव थ्री मैट्रिक्स सी ए एंड बी ठीक हो गया और ये उनके आपके पास क्या है मैट्रिक्स की वैल्यू है अब क्या होगा देखें आप लोग फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू है टू वन वन थ्री और बी मैट्रिक्स है वन वन टू टू अब आप लोगों ने ए क्रॉस बी इट मीन इक्वल टू सी इक्वल टू फाइंड करना है तो अब इसका क्या फॉर्म है कि फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम ठीक हो गया तो टू वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वन जो है वो टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह यही फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम तो फिर वही होगा टू इंटू वन प्लस और आपके पास वन इंटू टू हो जाएगा ठीक है अब आप लोग यहां पे सेकंड रो ले लोगे, तो सेकंड रो और इधर का फर्स्ट कालम हो जाएगा तो आपके पास वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू अब यही सेकंड रो और इसका सेकंड कालम हो जाएगा तो आपके पास वन इंटू वन प्लस इंटू टू हो जाएगा ठीक है अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस टू और यहां पे हो जाएगा टू प्लस टू वन प्लस फाइव सिक्स और यहाँ पे वन प्लस सिक्स हो जाएगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा फोर फोर सेवन सेवन अब यही चीज ये यह जो यहां पे हमने फॉर्म की है ये आप लोगों को यहाँ पे ये C11 के तौर पे लिखी हुई नजर आ रही है ठीक है इधर आप देख लें A11 वन वन दिस वन बी वन वन दिस वन ए वन टू दिस एंड बी टू वन ये हो गया तो इस प्रोसेस से आप लोगों ने क्या किया है जो आपका रिजल्ट इन मैट्रिक्स है डेट इज C, आपने उसके हर एलिमेंट को हर सेल को यहाँ फार्मूले की शक्ल में लिख दिया अब अगर आपको दो मैट्रिक्स इस टू क्रास टू के दिए जाते हैं ये जिनका ऑर्डर जो है टू क्रास टू है तो आप इस फार्मूले में पुट करके उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं अब यहां पे इसकी जो कंप्लेक्सिटी है वो आ रही है टू रेस्ट पावर थ्री अब ये कैसे आई है इसका सोलूशन अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये कैसे हमें कैलकुलेट हो रही है ये इसका आपके पास सुडो कोड है सिंपल सा कि आपके पास एक एक्सटर्नल लूप एक है एक इंटरनल लूप है और उस लूप के अंदर आप लोग कंप्यूट कर रहे हो सी की वैल्यू को ठीक है हर सेल की उसकी वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हो अब ये कंप्लीट एल्गो नहीं है आपको कंप्लीट एल्गो जो है है वो ये है, देखें आप लोग ये आपके पास है एक्सटर्नल लूप ये आप लोगों के पास इंटरनल और जो आप लोग वो कैलकुलेट कर रहे हो सी आई जे ये उसके लिए लूप चल रही है ठीक हो गया फार्मूला आप देख लें कंप्यूट कर रहा है आपके पास हर दफा सी एफ आई की वैल्यू और सी एफ आई जी जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है विद इन इंटरनल लूप लूप नॉट इनर मोस्ट ठीक है जो मिडल लूप है उसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं किस से जीरो से तो फिर इसके जो है कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू जब फाइनल हो जाएगी इनर मोस्ट लूप खत्म हो जाएगी दैट इज के वाली लूप तो फिर वापस आर में इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट सी ऑफ आई टू को कंप्यूट कर देगा ठीक है और अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का आइडिया क्लियर हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे अभी आप लोग देखें इसको हमारे पास मैट्रिक्स था के वन टू वन टू लेट करते हैं और दूसरा मैट्रिक्स है वन थ्री टू थ्री ठीक हो गया अब आप इसको मल्टीप्लाई करें क्या रूल है इसका कि इसका ये मैट्रिक्स ए है ये बी है तो ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस ए वन टू इंटू बी टू वन ये पहला वो बन जाएगा अब आप लोग देखें इधर वन वन फिक्स है ये वन ये वन फिक्स है ठीक है तो ये तो आप लोगों का हो जाएगा आई तो आपके पास ए ऑफ ये आई हो गया ठीक हो गया कामा उसके बाद आपके पास है कि ये वन हुआ और यहां पे ये हो गया टू ठीक है और यहां पे आपके पास क्या हो रहा है ये वन था और नेक्स्ट इसमें टू हो गया तो ये के रिपीट हो रहा है तो यहां पे आप लिख देंगे के इन टू बी के लिए क्या है इधर वन है इधर टू है तो ये जे चेंज हो रहा है पहले के और फिर आपके पास जो है वो जे आ जाएगा फाइन तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल को बनाने के लिए इस फॉर्मूले की जो है वो एग्जीक्यूशन हुई है तो फर्दर अगर आप लोग बारी बारी आई की वैल्यू वन फिर आई जे की वैल्यू वन और फिर आप लोग के की वैल्यू लें तो आपको ये फार्मूला जो है कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ठीक है और आपको ये सोल्यूशन भी रिट्रीव हो जाएगा दोबारा मैं आपको आप लोगों के लिए एक टेबल बना लेता हूं आप लोग इसी के मुताबिक इसको फिल करना है कैसे स्टार्ट में आप लोग आई की वैल्यू ले लोगे फिर आप लोग जे की वैल्यू ले लोगे और नेक्स्ट जो है आप लोगों ने के की वैल्यू लेनी है और एंड पे आप लोगों ने जो है वो फार्मूला लिख देना है सी आई जे एक सी आई जे प्लस ए ऑफ आई के इनटू बी ऑफ के जे ठीक हो गया अब आप इसके हर एट्रेशन पे वैल्यू मतलब आई पहले पहले वन जे वन और के की वैल्यू वन ये वन ही रहेंगे ये टू हो जाएगा फिर ये वन रहेगा ये टू ये फिर वन वन टू ये फिर टू और इसी तरह फिर जब ये टू होगा तो फिर वन वन और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आप इन्हीं वैल्यूज को पुट कर दें फार्मूले में तो आपको सोलूशन जो है वो डिराइव हो जाएगा तो ये सिंपल आपके पास दो एल्गोरिथम को मल्टीप्लाई करने का एक वो था अब इसकी कंप्लेक्सिटी कैसे एन क्यूब हो रही है ये आपको पता है कि इसकी जो कास्ट होगी सी वन और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एन से ठीक है इसकी कास्ट सी टू है लेट करते हैं इसको आप लोगों ने एन से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी भी कास्ट सी टू है थ्री है इसको भी आप लोगों ने एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन इंटू एन इन एन हो जाएगा तो इसका मतलब है इसका है इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो वो क्या हो जाएगा एन क्यूब हो जाएगा तो ये इसका सोलूशन है सिंपल प्रोसेस का अब स्ट्रेस स्ट्रेसन मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाइकेशन ये आपको क्या गाइड करती है यानी ये कैसे इस अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे जो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो कर रही है ठीक है अब स्ट्रेसन शो शोर डेट टू क्रास टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन यानी कि अगर आपके दो मैट्रिक्स टू क्रास के हों जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड पे सॉल्व किया था ठीक है तो आप उनको सेवन मल्टीप्लाइकेशन में और एटीन एडिशन में जो है कैलकुलेट कर सकते हो अब जब आप इसे पुट करेंगे ए टू लॉक टू और सेवन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगी टू की पावर टू पॉइंट एट अब इसको देखें और आप लोग टू की पावर जो था थ्री, एन की पावर थ्री जो था इसको देख लें और इस इस वैल्यू को देख लें कि लेंट एट आ रहा है इन दोनों को कंपेयर करें अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो आपकी कंप्लेक्सिटी कम, जो है वो क्यूबिक से जो है वो कम हो रही है ठीक हो गया तो एंड मैट्रिक्स ने एक्चुअली जो है डायनामिक अप्रोच को फॉलो करते हुए क्या किया है जो आपके पास टू मैट्रिक्स टू टू क्रास टू के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जो कम्प्लेक्सिटी थी यानी के आपके पास बिगो एन क्यूब उसको रिड्यूस करके बिगो एन टू पॉइंट एट ले आए ठीक है अब इसमें जो कि ये डिवाइड एंड कंकर रूल्स को फॉलो कर रहा है तो डिवाइड क्या चीज करोगे आप लोग देख लें डिवाइड दे इनपुट डेटा इन टू टू तो मोर डिस ज्वाइंट में और सॉल्व सब प्रॉब्लम्स और फिर उनके रिजल्ट को जो है कंबाइन करने है और यही डिवाइड एंड कंट्र जो है इस प्रिंसिपल का वर्क भी है ठीक हो गया अब इसकी बेस कंडीशन क्या है सब प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट साइज जो बेस कंडीशन होगी उसकी साइज कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी और अब एनालिसिस देखें आप लोग इसका कैसे करेंगे अब आपके पास जो है सबसे पहले ए क्रॉस बी ये मैट्रिक्स ए है ये बी है ठीक हो गया और ये आपका रिजल्ट है अब आप लोग देखें ए नाट बी नाट ये मल्टीप्लाई हो गए ए वन बी टू जैसे हम करते थे मल्टीप्लाइकेशन ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या है ए नाट बी वन और ए वन बी थ्री जैसे ये बन रहे हैं और पहले के लिए ये बन रहा था ठीक हो गया वही मल्टीप्लाइकेशन के स्टेप हैं जो हमें अब अभ, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किए हैं इसमें क्या होगा डिवाइड मैट्रिसेज इंटू सब नॉट एंड डिवाइड करें अगर two two से ज्यादा है तो आप मैट्रिक्स को डिवाइड करें ठीक हो गया यूज ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यानी कि हमने इत, उस लेवल तक ले आने हैं डिवाइड करते हुए जब तक आपको टू क्रास टू का मैट्रिक्स ना बन जाए ताकि फिर हमें जब सॉल्व करना पड़े मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमारे पास ये स्ट्रेस uh, का जो वो है फॉर्मूला के हमने सेवन मल्टीप्लाइकेशन और एटीन एडिशन के अंदर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जब आप दो मैट्रिकस को टू क्रास टू के मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना चाहें तो ठीक है अब सबसे पहले यहां पे देखें ए नाट बी नाट और रिजल्ट आपके पास आ रहा है ये आपके पास टर्मिनेल रिक सिंपल बेस केस है ठीक हो गया अब इसके स्ट्रेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं कि वो क्या है लेट यू हैव थ्री मैट्रिक्स सी ए एंड बी आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं अब ये आपके पास जो है वैल्यू है पी वन अब पी वन आप कैसे वो करोगे ए वन वन ये एड हो रहा है किसके साथ ए टू टू के साथ एड हो रहे ये दोनों एड हो गए ठीक हो गया अब ये दोनों एड हो गए उसके बाद दूसरा है बी वन वन बी टू टू B11, B2 के साथ ऐड कर दोगे ये दोनों ऐड हो गए ये दोनों ऐड हो गए तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बना देंगे P1, ठीक है उसके बाद P2 क्या होगा आपके पास A21 टू वन प्लस ए यानी इन दोनों को जमा कर दोगे इन टू मल्टीप्लाई बाई बी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक हो गया? उसके बाद थर्ड इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको अगले स्टेप जो है क्लियर हो जाए P3 के लिए क्या करना पड़ेगा ए वन वन आप लोग लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे किसके वन टू दिस थिंग माइनस बी तो B12 वन टू माइनस बी आपके पास क्या हो जाएगा P3 ठीक हो गया अब इसके बाद जो है आपके पास है P4 तो इसी तरह आप इसको भी कैलकुलेट करोगे जैसे यहां पे किया गया है तो ये प्रोसेस जो है अब ये आपने सेवन प्रोडक्ट के जो है वो अपने पास रिमेंबर रखने हैं कि क्या होता है P2, P3, P4. उसके बाद आप लोगों ने ये जो एडिशन करनी है C1 1, C1 2, क्योंकि आप, लो, आप लोगों ने बनाना तो यही है तो इसमें आप लोग पी वन पी फोर पी फाइव एंड पी सेवन को एड करोगे बट रिमेंबर कि आप लोगों के पी वन पी टू पी थ्री के जो गिवन फॉर्मूलाज हैं ये वही रहने चाहिए ये ना हो कि आप लोग P1 की जगह पे पहले पहले आप लोगों ने लिखा हुआ हो ए वन वन स्टेर बी वन टू माइनस बी टू टू तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि फिर आप इससे कम्बिनेशन नहीं बना सकते यानी कि मैट्रिक C के जो रिजल्ट हैं वो आप लोगों को अचीव नहीं हो सकते प्रॉपर तो इसका मतलब ये हुआ कि P के आगे जो फार्मूला गिवन है प्रोडक्ट फाइंड करने का कि उन्हीं सेल को यूज करके ए और बी के, के हम कैसे उनको कभी ऐड करेंगे कभी मल्टीप्लाई करेंगे कभी उसका डिफरेंस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज जो है ये आपके पास ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए अगर ये ऑर्डर चेंज होता है तो आप लोगों को सी वन 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 टू टू वन और टू टू का रिजल्ट जो है वो एक्यूरेटली रिट्रीव जो है वो नहीं हो सकेगा ओके अब आपके पास है कि अगर आप इसको कंपेयर करें देखें क्या c11 ये भी हमने पिछली स्लाइड पे देखा ये फॉर्मूला है p11 की वैल्यू लगा दें यहाँ पे ये वैल्यू p4 की लगा दें इनको रिज़ॉल्व करें मल्टीप्लाई कर दें मतलब a11 b11 से मल्टीप्लाई हो रहा है a11 b22 से मल्टीप्लाई हो रहा है a22 b11 से हो रहा है a22 b22 से हो रहा है इसी तरह पेराबिबाज a22 जो है b21 से हो रहा है a22 जो है वो माइनस B11 से हो से और है ठीक हो गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और एड और सब कर लेंगे तो आपके पास फाइनल जो है C11 का ये जो है, C11 जो हमने पहले लिखा हुआ था कि C11 जो वन बी वन वन प्लस ए वन टू और बी टू वन जो है वो रिट्रीव हो जाएगा ठीक है इसके अलावा अब स्ट्रेसन एल्गोरिथम जो है वो वर्क कैसे करेगा उसमें हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपको यहां से कुछ एग्जाम्पल देखें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन के लिए ये उसके पैरामीटर्स हैं आपके दो मैट्रिक्स हो गए ये तीसरा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है और ये उसका साइज हो गया ठीक हो गया अब आप लोगों ने अगर एन है वन तो आप लोगों ने सिंपली उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर लेना है रिजल्ट फाइन अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये आपके पास सेवन प्रोडक्ट्स हैं एट ठीक है Eight, ये आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं जो अभी हमने किए थे तो इसमें आप लोग ए पहले ये वाला पोर्शन जो है देखें ये ए और इसके अगले जो टर्म है उसके साथ इनको बाय फोर उसका वो साइज लिया जा रहा है ठीक है मल्टीप्लिकेशन में तो आप इसको रिकर्सिवली कॉल करें इन्हीं आर्गुमेंट्स को यूज करते हुए तो आप लोगों को जो स्ट्रेसन एल्गोरिथम है वो आप लोगों को जो रिजल्ट है

और बाकी जो उसके एटीन सम बनते हैं वो उसमें आ जाएंगे ठीक है ओके व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टी मैट्रिक्स इसको दोबारा स्लाइड कर नो व्हाट इज चेन मल्टीप्लाइकेशन ठीक है कि अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सीक्वेंस में पढ़े हो हम उनको कैसे उसकी मल्टीप्लाइकेशन को जो है ईजी वो कर सकते हैं कि हमें कितने कैल्कुलेशन uh, या कितने कंपैरिजन जो है वो करने पड़ेंगे जैसे पहले पहले मैं आप लोग देखें हमने सिंपल यूज़ किया सिंपल सिंपल में हमें एन क्यूब कंपैरिजन करने पड़ गए ठीक हो गया उसके बाद फिर हमने क्या किया स्ट्रेसन को फॉलो किया स्ट्रेसन के मुताबिक आपके पास एन की पावर 2.81 आपको करने पड़ गए कंपैरिजन ठीक हो गया अब आते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ज्यादा हो या मैट्रिक्स बहुत बड़ा हो तो फिर हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं ठीक हो गया सपोज वी हैव अ सीक्वेंस आर चेन ऑफ दिस मैट्रिसेस ठीक है विच आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड जो मल्टीप्लाई होने के लिए जा रहे हैं ठीक है वी वांट टू कंप्यूट प्रोडक्ट ए1 ए2 एंड अप टू एएन देयर आर मेनी पॉसिबल वेज फॉर पेनथेसिस टू कंप्यूट द प्रोडक्ट यानी कि हमारे पास मेनी वेज हैं कि हम इनको ऑर्डर में ले आए फॉर एग्जाम्पल थ्रू पेरथीसिस कैसे वो भी हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये कौन से इसके फाइव पॉसिबल वे हैं देख लें आप लोग यहां पे एग्जाम्पल में आपके पास फोर मैट्रिक्स हैं जो दिए हुए हैं चेन में सीक्वेंस में ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर ऑफ फोर मैट्रिसेस अब हम कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ दीज फोर मैट्रिसेस इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो अब आपके पास पैरिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ठीक है कैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि ए वन का जो ऑर्डर है वो आपके पास टू थ्री फोर फाइव हो और ए टू का जो ऑर्डर है वो फिर आप लोग लेते हो टू फोर भी ले सकते हो इस तरह कोई और भी ले सकते हो अब आप लोगों ने ये देखना है कि इनकी मल्टीप्लाइकेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा आपको मैट्रिक्स कैसे चेंज हो, होता जाएगा ठीक है वो डिपेंड करेगा जब आप जैसे हम हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल के टू प्लस थ्री ठीक है इन टू फोर है आपसे आप पूछो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा आप कहोगे कि टू प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फोरटीन एंड फोर्टीन विल बी योर आंसर ठीक है बट आप लोग अगर इसको पैरन्थीज में इंक्लोज कर दें टू प्लस थ्री इंटू फोर तो यह हो जाएगा चेंज 20. तो 20 कर दी है आपका रिजल्ट चेंज हो गया है तो सेम केस आपका यहाँ पे भी होगा कि अगर आपके पास फोर मेट्रिस हैं तो अगर हम पैरेंथीसिस पुट करें आप दे, जैसे देखें पहले ये दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिस uh, मल्टीप्लाई होंगे इसमें पहले कौन कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें ए थ्री एंड ए फोर पहले हो रहा है ठीक हो गया इसमें ए टू और ए थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें आपके पास ए वन ए टू पहले हो जाएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू तो राइट अगर हम चलें तो ये हो जाएगा और पैरल पे, में फौरन आपके पास ए थ्री इंटू ए फोर हो जाएगा इधर आपके पास जो है फोर्थ में ए टू और ए थ्री आ जा रहा है और इसमें क्या है आपके पास ए वन एंड ए टू जो है ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अब आप लोगों के इस, इसके रिजल्ट को देखने करने है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा अगर ये सारे सेम ऑर्डर के हैं तो आपको इन सब के रिजल्ट जो है वो सेम ऑर्डर में मिलेंगे अगर आप लोगों के जो मेट्रिस हैं वो डिफरेंट ऑर्डर के हैं यानी कि जैसे अभी मैंने इस एग्जाम्पल में शो किया था कि ये दो डिफरेंट ऑर्डर हैं तो इनका रिजल्ट अब कैसे आएगा ये डिपेंड करता है कि हम मल्टीप्लाइकेशन का रूल्स क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए या नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए ठीक है उसके बेस पे फिर हम लोग बताएंगे कि इसका रिजल्ट ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते टू द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जैसे स्केल एंड मल्टीप्लाइकेशन में वही है कि एन क्यूब हमारे पास वो पहले था जब हम दो मैट्रेस को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते थे और एन की पावर टू पॉइंट एट वन जो था वो आपके पास स्ट्रेस एन एलगोरिथम की अप्रोच थी जो हमने यूज की अब क्या है एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रसेस और मेट्रेस डिमेंशन जो है वो लाजमी है इसके फैक्टर अब आप लोग देखें इस केस को ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाइकेशन के रिजल्ट्स को शो कर रहे हैं कैसे देखें आप लोग एग्जाम्पल कंसिडर थ्री मैट्रिस ये मैट्रिस ए टेन इंटू हंड्रेड है तो इसका मतलब है कि टेन रोजे और हंड्रेड कॉलम्स हैं ठीक हो गया यहां पे देख लें बी मैट्रिसिस इसमें क्या है आपके पास हंड्रेड रोजे और फाइव कॉलम्स हैं ठीक हो गया अब यहां से एक चीज ये है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ए के आपके पास कॉलम इक्वल होने चाहिए बी की रो के तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स से जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं ठीक हो गया अब यहां पे सिंपल पैरथीसिस केस के मुताबिक देखें कि रिजल्ट क्या बन रहे हैं इस इसमें पहले साल वो हो रहा है ए बी ठीक है ए बी जो साल होगा ए बी में आपके पास था देखें यहां से ले आप लोग टेन टेन रोज हंड्रेड कॉलम जो ए और बी में कॉमन है ये देखें ना ए का क्या है टेन इंटू हंड्रेड है और बी का क्या है आपके पास हंड्रेड इंटू फाइव है ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है ठीक हो गया अब आप लोग ले लें एक टेन ले लें ये है टोटल आप अगर आप स्केलर एन मल्टीप्लाइकेशन यानी कि कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो फाइंड करना चाहते हैं तो पहले इसका दोनों वो ले लें रोज भी ले लें कालम भी ले लें ये रोज ये कालम हो गए जो बी मैट्रिक्स होगा उसके कालम ले लें जैसे ये फाइव है इनको मल्टीप्लाई करें तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वो फाइव थाउजेंड स्केल मल्टीप्लाइकेशन आपको करनी पड़ेगी अगर आप लोग ए बी फिर उसके बाद आप सी से जो है मल्टीप्लाई करते हैं और अगर ये रिजल्ट इक्वल है दिस थिंग के जो राइट right साइड पे है तो अब आप, आप लोग देखें डी सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो इधर से आप लोग 10 ले लोगे इधर से 5 और ये कामन है मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये 50 जो है यहाँ पे आ गया है तो ये आपके पास कितने होंगे ट्वेंटी तो इनको एड करें तो आपको टोटल स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जो है वो कितनी करनी पड़ेगी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नो कम टू अनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या है कि ए बी बी सी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है देख लें आप लोग ये बी आपके पास क्या है हंड्रेड हंड्रेड रो और फाइव कॉलम और सी में क्या है ये देख लें आप लोग ठीक है अब आप लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ेगी और ए e देखें जो इसके राइट right साइड पे है तो इधर टेन ये हंड्रेड और ये फिफ्टी ये टेन ये दोनों हंड्रेड में से और एक फिफ्टी तो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टी थाउजेंड और ये टोटल आपके पास जो बनता है वो सेवनटी फाइव थाउजेंड स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जो है वो आप लोगों को करनी पड़ रही है तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करें और आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि जब आप एक से ज्यादा मेट्रिस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें पैरथीसिस का कितना रोल है इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है कि कौन सी पैरेंथेसिस को जो है वो पहले सॉल्व होना चाहिए ये आपको इंपैक्ट यहां पे शो हो गया कि अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू बी सी के तो हमें 7500 कंपैरिजन करने पड़ जाते हैं अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन मल्टीप्लाई टू सी ठीक हो गया अगर हम आर्डर चेंज करते हैं यानी कि बी सी को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं देन उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेवन थाउजेंड जो मल्टीप्लाइकेशन है वो करनी पड़ रही है तो ये इनका कंपैरिजन हो गया और इसका इंपैक्ट हमें पता चल गया कि हम जो पैरथीसिस है वो कब यूज करेंगे ओके okay, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये अगर सीक्वेंस है एंड मैट्रिसेस का तो आप लोगों ने वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि डायमेंशन लेनी है ठीक है और उन्हीं डायमेंशन को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको टोटल स्केलर मल्टीप्लाप्लाइकेशन जो है वो पता चल जाएंगी अब कैसे वो भी हमने लास्ट में जो दो दो एग्जांपल किए हैं ये देख लें आप लोग एक ये एग्जांपल और ये एक ये एग्जांपल सॉल्व कर ली ठीक है उसके बाद जो है आप लोग पैनेथिस करेंगे द प्रोडक्ट और इस इस तरीके से उसको पैनाथिस में इंक्लो वो करेंगे इंक्लोज कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाइकेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकें आप परफॉर्म करें मिनिमम तो आप पिछली एग्जांपल में देखें तो मिनिमम जो मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ रही है कि अगर हम ए बी को पहले सॉल्व कर लें पैरिस लगा लें ए बी का तो उस वक्त ये उसका सोल्यूशन आपको मिनिमम जो है वो रिट्रीव हो सकते हैं अब इसी तरह आप ब्रूट फोर्स मेथड फॉर जो है इसके एक्सपोनेंशियल इन टर्म वो कर सकते हैं फाइन के इसकी कंप्लेक्सिटी जो है वो क्या आ सकती है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम या मेथड जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब इसके डायनामिक अप्रोच में आपको क्या करना पड़ेगा लेट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल मसल लेट यूज द न्यूटेशन ऑफ आई जे फॉर द मैट्रिक्स द रिजल्ट फॉर द प्रोडक्ट दिस थिंग यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स uh, है इधर आपके पास जे है इधर आई है वन टू थ्री फोर अप टू जे आई और इधर वन टू थ्री और अप टू जे हो जाएगा ठीक हो गया अब हमने इसको डिवाइड करने है कि हम कौन सा पॉइंट लेंगे जिससे ये मैट्रिक्स ऐसे आ जाए फिर ऐसे बन जाए और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहे हम इस इस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स जो है हम उसको आ, इस लेवल तक आ, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लें कि हमारे पास दो मल्टी जो मेट्रिस हैं उनकी मल्टीप्लाइेशन का प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाए तो वो आप लोग इसमें इस कह सकते हैं कि के कोई आप इंटरमीडिएट नंबर दे दें तो उसके तक जो है आप लोग उसको अलहदा पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर के प्लस वन से आगे जो है वो आप लोग उसकी मल्टीप्लाइकेशन आपको अलहदा करनी पड़ेगी ठीक हो गया ओके ये भी उसी इसमें आ जाते हैं कि इसमें पैरेंथिस जो है आप सब चेन वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिजल्ट को ऑप्टिमम सोल्यूशन वो करने के लिए यानी कि आपको ऑप्टीमल रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग मैट्रिस मल्टीप्लाइकेशन ठीक है और यही इसका uh, आपके पास ऑप्टिमेलिटी की तरफ आपको रिजल्ट भी ले जाता है डायनेमिक अप्रोच के मुताबिक ओके दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टू डे लेक्चर बट इसको एंड करने से पहले मैं आपको इसका कंक्लूजन दे देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज कवर की है आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है डायनामिक प्रोग्रामिंग ठीक है बेसिकली हमारे पास एक अप्रोच है जिसमें हम अपने एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड उस लेवल तक करते हैं कि आपको हर सब प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टीमल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है अब ग्रीडी एल्गोरिथम और जो डायनामिक अप्रोच है ये दोनों आपके पास किन किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन दोनों में फर्क है ग्रीडी अप्रोच जो है वो क्या करता है वो आपको एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड देन सेलेक्ट बेस्ट वन ठीक है विदाउट यूजिंग एनी रिकर्सिव अप्रोच रेकोरेंस रिलेशन किसी रेकोरेंस रिलेशन को या रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो नहीं करता बट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग काम वही है कि आपने ऑप्टीमेलिटी की तरफ जाना है अपने ऑप्टीमल सोल्यूशन फाइंड करना है बट यूजिंग रेकोरेंस अप्रोच रिकर्सिव अप्रोच को आप लोगों ने फॉलो करना होगा तो ये इन दोनों में जो था डिफरेंस और वो था उसके बाद फिर हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के आ, कुछ स्टेप पढ़े जिसमें क्या था कि आपका प्रॉब्लम जो है आपने उसका पहले सबसे पहले ऑप्टिमेलिटी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि आप चाहते क्या हो उस प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन क्या आप लोगों को रिक्वायर्ड है उसके बाद फिर हम सब प्रॉब्लम को साइज डिफाइन करते हैं फिर सब प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम कंबाइन करते हुए हम अपना ऑप्टीमल सोल्यूशन जो है वो गेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये एक जो फेज़ है ये आपके पास किसका है आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो लाइफ साइकिल आप समझ लें कि आप लोगों ने कैसे एक डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को जो है फॉलो करना है फॉर डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ठीक है उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल ली थी एग्जांपल तो वैसे एक, एक हमने बाइनोमियल इसकी ली थी सीरीज की कि वहां पे हम डायनामिक अप्रोच को कैसे फॉलो करेंगे इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली थी फाइबोनसी सीरीज की कि उसमें हमने एक स्पेसिफिक अब नंबर जो फाइबोनेक्सी सीरीज का है वो फाइंड करना हो तो आप लोग कैसे एक डायनामिक अप्रोच को जो है वो फॉलो कर सकते हो और फाइनली हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाईकेशन के, के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो किया सबसे पहले हम लोगों ने दो सिंपल मैट्रिस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट गेन किया और उसकी कम्प्लेक्सिटी एन क्यूब निकाल ली क्यों एन क्यूब निकाली क्योंकि जब आप उसका सूडो कोड लिखते हैं दो मेट्रेस को मल्टीप्लाई करने का देन यू नीड टू एग्जीक्यूट नेस्टेड लूप अप टू थ्री लेवल थ्री लेवल एक आउटर लूप एक इनर लूप और एक इनर मोस्ट लूप के अंदर आप लोगों को एक्चुअल स्केलर मल्टीप्लाइकेशन करनी पड़ती है तो इसलिए उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी काउंट हो जाती है एन क्यूब में काउंट हो जाती है और उसके बाद इस इसको ओवरकम करने के लिए इस स्केलर uh, मल्टीप्लाइकेशन की वैल्यू को या इसकी कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने स्ट्रेस uh, जो मेथड है उसको यूज किया स्ट्रेसन मेथड जो है या एल्गोरिथम जो है इस इसकी जो बेस है वो ये है कि आप लोगों ने सेवन मल्टीप्लाईकेशन यानी सेवन प्रोडक्ट्स प्लस एटीन एडिशन के अंदर आप लोग दो मेट्रसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो यानी कि दो भी दो मेट्रेस को मल्टीप्लाई करना हो तो स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस एल्गोरिथम आपको सेवन मल्टीप्लाइकेशन करनी पड़ेगी और एटीन एडिशन करनी पड़ेगी और उसके फिर वो गिवन फार्मूलाज थे आप लोगों ने वो फार्मूला याद रख यानी कि लिख कर याद रख के आप लोग दो मैटर्स लेके उस फार्मूले में पुटिंग करें और आप आपका सोलूशन जो है वो गेन कर सकते हैं लेकिन इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो आपके पास क्या होगी वो 2.78 या 2.81 जो है वो कंसीडर की जाती है ठीक हो गया अब इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि अगर दो मेट्रसिस ज्यादा हो एक सीक्वेंस हो आपके पास तो हम फिर मैट्रसिस चेन मल्टीप्लाइजेशन करते होते हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेट्रिस चेन मल्टीप्लाइजेशन में वो आपके पास पैरन्थीसिस का होता है क्योंकि पैरन्थीसिस uh, ही अगर आप प्रॉपर इस तरह एलोकेट करें पैरेंथीसिस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चार मेट्रेसिस हैं सी तो हमने अगर इन चारों का प्रोडक्ट फाइंड करने है तो हमें पहले इनमें से कि, कि, किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये फिर आपको डिसाइड कर लेता है क्या चीज कि आपको टोटल कितनी स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जो है वो करनी पड़ रही है ठीक है इसकी भी हमने एक एग्जाम्पल साफ की थी जिसमें हमारे पास 7500 कंपैरिजन आ गए थे अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75,000 जो है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन जो थे वो आ गए थे ठीक है तो अब इसकी जो कंप्लेक्सिटी है वो फिर रेकोरेंस रिलेशन यानी आप डायनामिक अप्रोच को फॉलो करते हुए एक अगर आपके पास गिवन मैट्रसे uh, है एन क्रॉस एम का तो आप उन उस मैट्रिसेस को डिवाइड करते जाओ सब मैट्रिसेस में यानी सब प्रॉब्लम में और फिर हर एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लो और फिर उसके बाद जो है आप लोग इसकी जो स्केलर मल्टीप्लाइकेशन है उसकी बेस पे आप लोग जो है इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हो अब चूंकि रिकर्सिव यानी डिवाइड एंड कंक्र रूल्स को फॉलो करते हैं तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग एन में काउंट की जाएगी और मे बी एन लॉग एन या इसके जो होता है हैं एंड जो है वो कंसीडर किया जा सकता है बट डिपेंड ऑन द गिवन साइज ऑफ योर वो आप, आपके नैट्रेस का साइज क्या है ये फिर उस पर डिपेंड करता है उसके मुताबिक फिर हम इसकी कम्पलेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं दिस वॉज द एंड ऑफ अवर टूडे लेक्चर इनशा नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अदर टेक्निक्स ऑफ टेक्निक प्रोग्रामिंग सच एज सीरीज ना कैनपिक मैटिक मैट को हमने डिस्कस करना होगा inshallah dear student thank you very much inshallah see you in next lecture allah hafiz